ආදින්න දානා වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ආදින්න දානා වර්මනි සික්ඛාපදං ස්මාදියාමි ධම්මපද ගාථා කථා නම්බර් 82 ये जो कथा है ये काण नाम की एक लड़की की कथा है और जो उसकी माता थी उसको काल मातु बोलते थे, लड़की के नाम से काल मातु पड़ा हुआ था। पुराने समय में जो स्त्रियां होती थी वो कुल माता होती थी और बच्चों की जो पहचान है वो कुल माता के नाम से होती थी। बाद में जब कुछ घुसपैठिए बाहर से आए तो उन्होंने, क्योंकि उनके यहाँ पिता की बात ज़्यादा चलती थी, पुरुष की बात ज़्यादा चलती थी यानी कि नर की, उन्होंने यहाँ सारी व्यवस्था को पितृ, जो पितृ व्यवस्था है या पितृ सत्ता है या जो पिता की सत्ता है या पिता रूपी या पिता का दबाव या पिता का वर्चस्व है उसके, यानी जो पैटर्नल इफेक्ट होता है उसके हिसाब से ढाल दी। जो सारी पुत्र हैं सारी उनकी माँ का नाम है और इसलिए उनका नाम सारी पुत्र पड़ा। ऐसे ही जो महामोगल लैन है, मोगली उनकी माँ का नाम था इसलिए उनका नाम महामोगलैन पड़ा। और ये जो लड़की है काण, इसको काल मातु बोलते थे यानी कि अपनी माँ की बेटी काल मातु, काल बोला करते थे। तो काल जो था, काल से यहाँ जो ये लड़की है इसकी माता का नाम इस लड़की के नाम से जाने लगा। लड़की का नाम काल है और उसकी माता को काल मातु बोलने लगे। काल मातु जो थी वो बहुत अच्छी उपासिका थी धम्म की, भगवान बुद्ध की, और धम्म में पूरी तरह से वो रत रहती थी। उसकी बेटी की शादी हो गई थी। शादी होने के बाद बेटी, क्योंकि तब उस समय शादी में ऐसा होता था कि कोई लड़की चाहे तो घर आ सकती है चाहे तो वहीं रह सकती है, यानी कि लड़की के घर भी पति आ सकता है और पति के घर भी लड़की जा सकती है, दोनों तरह की व्यवस्था थी। कोई ऐसी फिक्स व्यवस्था नहीं थी कि लड़की को शादी होने के बाद ही जाना है। इस केस में उसका जो, जहाँ उसका पति रहता था वो थोड़ा दूर था, तो वो अपने घर आती है और घर आके रहने लगती है। तो जब वो उसको लेने के लिए आता है उसका पति, तो उसकी जो माता है काल मातु वो कहती है कि अभी मैं कुछ मिठाइयाँ बना लूँ, आप कल आके ले जाना। और वो कुछ मिठाइयाँ बनाती है तो उधर भिक्कू आ जाते हैं पिंडपात के लिए और वो अपनी खुशी से उनको, भिक्कुओं को मिठाई दे देती है। उधर उसका पति आता है, वो पति को फिर कहती है कि मैंने मिठाई बनाई थी, कल फिर मिठाई बनाऊंगी, आज भिक्कुओं को दे दी है। ऐसे करते करते 3 दिन हो जाते हैं। 3 दिन के बाद फिर वो पति नहीं आता और वो उसको लेने के लिए नहीं आता, छोड़ देता है उसको, शादी कहीं और कर लेता है या छोड़ देता है। जो काल है वो इस बात से बहुत चिढ़ जाती है, भिक्कुओं से बहुत चिढ़ जाती है कि भिक्कुओं को दान, भोजन दान देने के कारण ही उसका पति उसको लेके नहीं गया। और जब भी भिक्कु उसके यहाँ आते थे जाते थे या उस गली में आते थे तो वो उनको मत मुंड कह के गाली बकती थी। मत माने होता है माथा, मुंड माने जो गंजा होता है, यानी एक तरह से गंजा कह कह के उनको चढ़ाती थी और भिक्कू ने उधर जाना बंद कर दिया। जो काल की माता थी काल मातु वो बड़ी दुखी थी कि बेटी थोड़ी अव्यवस्थित हो गई है और भिक्कू भी इधर आते नहीं है। ये बात जब भगवान बुद्ध के संज्ञान में आई तो भगवान बुद्ध ने वहां जाके चारिका करने का सोचा और वो एक दिन चारिका करते हुए काल मातु के यहाँ पहुंच गए। काल मातु ने भगवान को बैठाया, चावल बनाए हुए थे, भात उदंत बनाए हुए थे, उदात बना के उनको दिए। उन्होंने धम्म की जो चर्चा थी वो की, क्योंकि धम्म दान देना था, पुण्य बोधन करना था। तो जब वो धम्म देने लगे तो काल से, काल रोने लगी। तो भगवान ने कहा काल क्यों रो रही है? काल मातु ने कहा कि ये पछता रही है कि इसने भिक्खुओं के साथ ऐसा व्यवहार किया। भगवान ने उससे कहा कि काल, जब भिक्खु तेरे यहाँ आए और उन्होंने आके यहाँ खड़े हुए तो तुमने जो दिया वही लेके गए, जो तुमने नहीं दिया वह तो लेके नहीं गए। इस पर वो और जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि भगवान बुद्ध का आशय ये था कि भिक्कू कोई जबरदस्ती दान लेके नहीं जाते, भिक्कू आके खड़े हो जाते हैं, भिक्कुओं को जो आप खुशी से दोगे उसको लेके जाते हैं, आप नहीं देते तो वो नहीं लेके जाते। आपने खुद दिया उनको, उन्होंने बिना दिए लिया नहीं, अदिन्न दाना नहीं किया, चोरी नहीं की, कोई इच्छा नहीं की, आपको खुशी से दिया इसलिए वो ले गए। तो इसमें भिक्कुओं की कोई गलती है नहीं। जो काल है उसको समझ में आ जाता है और वो बड़े पश्चाताप होती है। धम्म सुन के भगवान बुद्ध का वो सोतापन्न हो जाती है, धम्म में रत जाती है, सारा जो उसके मन का मैल है वो सारा निकल जाता है, मन उसका निर्मल हो जाता है। भिक्कुओं के किए पे वो बहुत ज्यादा प्रायश्चित करती है। ये बात जब चर्चा में आती है तो वहां राजा प्रसन्नजीत भी बैठे हुए हैं, वो बताते हैं कि काल माता के साथ क्या हुआ, काल के साथ क्या हुआ। और
तो प्रसन्नजीत पूछते हैं कि अब उसका फ्यूचर क्या रहेगा, भविष्य क्या रहेगा, आपको क्या लगता है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि अब वो सोतापन्न हो गई है और वो अगले जन्म में बहुत अच्छे घर में जाएगी, जहां उसे दान देने के लिए धन की कोई कमी नहीं रहेगी। वो भिक्षुओं को जितना चाहे उतना दान दे सकती है, जितना दान वो देगी, जितना पिंडदान देगी, जितना भिक्षुओं को खिलाएगी, उतना ही और ज्यादा आएगा। तो प्रसन्नजीत कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि शायद इस जन्म में ही वो इतने ज्यादा समृद्ध हो जाएगी कि उसको दान देने के लिए कमी नहीं पड़ेगी। और ऐसा कहकर प्रसन्नजीत उसकी शादी का प्रयत्न करते हैं और अपने एक मात्य से, एक मंत्री से शादी के लिए बात बन जाती है। उसकी शादी काल की उससे करा देते हैं और काल फिर खूब भिक्षुओं की सेवा करती है, खूब धम्म को आगे बढ़ाती है। काल माता भी खूब धम्म को आगे बढ़ाती है। ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक इसलिए है क्योंकि एक अच्छा कर्म करते ही, सोतापन्न होते ही उसके तुरंत ही फल अच्छे आने लगे और सब कुछ अच्छा होता चला गया। गाथा इस प्रकार है, यथापि रह दो गंभीरो विपस्सनो अनाविलो एवं धम्मानी सुतवान विपस्सिदंती पंडिता। यथापि रह दो गंभीरो, यथापि माने होता है जैसे भी, रह दो माने होता है तालाब और गंभीरो माने गहरा। जैसे गंभीर तालाब होता है या गंभीर पोखर होती है या टैंक होता है, उसी तरह से विपस्सनो अनाविलो, अनाविलो का मतलब है कि बिना कीचड़ के, यानी कि बिना मैल के, और विपस्सनो का मतलब है साफ और स्वच्छ हो जाता है। यानी कि जितना गहरा तालाब होगा, जितना शांत तालाब होगा, तालाब उतना ही ज्यादा कीचड़ से मुक्त होगा। वो सारा गंदगी और कीचड़ उसकी नीचे बैठ जाती है और वो बिल्कुल प्योर पीने लायक पानी होता है अगर वो गहरा है तो। एवं धम्मानी सुतवान, इसी प्रकार धम्मानी यानी धम्म को, सुतवान मतलब जो सुनते हैं, सुनकर, यानी कि धम्म को सुनकर क्या होता है, विपस्सिदंती पंडिता। विपस्सिदंती का मतलब है स्वच्छ हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। पंडिता मतलब जो समझदार हैं, जो जानकार हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो धम्म को सुन के उसी तरह से उनका मन निर्मल हो जाता है। जैसे कि कान का धम्म सुनने के बाद में मन निर्मल हो गया, सारा मैल उसका बह गया, सारी गंदगी उसकी निकल गई और वो शुद्ध हो गई। जिस प्रकार बहुत गहरा अगर कोई तालाब हो और उसके अंदर अपने आप ही वो शांति आ जाती है, इसी प्रकार से। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Get
संगम शरणं गच्छामि। साधु साधु साधु। कामेश निचार विरमणि सिक्खापदि स्मादयामि। कामेश निचार विरमणि सिक्खापदि स्मादयामि। कामेश निचार विरमणि सिक्खापदि स्मादयामि।